हाँ बेटा, तुम्हारे घर वापस जाने पे कोई हंगामा तो नहीं हुआ था ना? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। चलो शुक्र है, वरना एक धड़का ही लगा हुआ था फान को लेके। वैसे अम्मी, मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं कॉलेज जाया करूं तो उमर को कुछ घंटे के लिए आपके पास छोड़ दूं। बेटा, मुझे उमर को संभालने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगी तुम्हें कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है अपनी पढ़ाई को लेकर इतना परेशान होने की। आप तो इन लोगों के रवैये भी देख चुकी हैं, तो मैं अब किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने पैरों पे खड़े रहना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जिंदगी ने भी मुझे यही सिखाया है कि अपना बोझ इंसान को खुद ही उठाना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, आप कोई मसला नहीं, तुम उमर को हमारे पास छोड़ जाया करो। बाबा, वैसे फौजिया होगी उमर के साथ, तो उमर को भी संभाल लेगी और आप लोगों के भी काम कर देगी। अरे नहीं, उमर को मैं खुद भी संभाल सकती हूँ। अरे आपने घर भी देखना होता है, फिर बाबा को भी देखना होता है। फौजिया संभाल लेगी उमर को, आप क्यों परेशान होती हैं? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चले ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। मैं उमर को देख लूं और सुबह के लिए उसका बैग बना दूं। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो, एक तरफ से सुकून होगा।